सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी के इस खास फटाफट खबरों में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भदोही जिले के शहर व ग्रामीण इलाकों के क्राइम, राजनीतिक, मनोरंजन व खेल की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं हूं नसीर कुरैशी, तो आइए देखते हैं आज की फटाफट खबरें। पिता की फटकार के बाद एक किशोर ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार का हर सदस्य दंग रह गया। यह मामला है गोपीगंज कोतवाली इलाके के माधोरामपुर गांव का, जहां राहुल देव पाठक नामक व्यक्ति ने अपने 16 वर्षीय पुत्र सूरज पाठक को किसी बात को लेकर फटकार लगा दी। पिता की डांट से नाराज सूरज पाठक ने मौत को गले लगा लिया। साड़ी के सहारे उसने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। घर का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो परिजन परेशान हो गए। इस बीच पहले आवाज लगाई, जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देख परिजन भी दंग रह गए। आनन फानन में उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन चीखने चिल्लाने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में हुई धांधली के जिम्मेदारों को स्वास्थ्य महकमा बचाने में जुट गया है। इससे पहले भी विकलांगों के सीढ़ी पर चढ़ने के मामले को लेकर एक निर्दोष क्लर्क पर कार्रवाई करते हुए जो असल के दोषी थे उन्हें बचा लिया गया। एक बार फिर ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में 4 पदों की नियुक्ति संविदा पर होनी थी। सूत्रों की माने तो एक एक पद के लिए भारी भरकम सुविधा शुल्क लेकर गुपचुप तरीके से बंद कमरे में यह नियुक्ति प्रक्रिया निपटाई जा रही थी, लेकिन इसकी जानकारी जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को लगी तो उन्होंने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करा दिया। अब सवाल यह उठता है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया भदोही जिले के महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय के अधीक्षक व क्षय रोग अधिकारी सहित कुछ लोगों की देखरेख में पूरी हो रही थी। अगर धांधली पकड़ में आई है तो फिर स्वास्थ्य महकमा ऐसे लोगों को क्यों बचाने में जुटा हुआ है? अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह एक बड़ा सवाल है। रविवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने पचभैया स्थित समाजवादी पार्टी के भदोही विधानसभा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद संत रविदास जी के नाम से इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का आखिरी बजट पेश हो गया, अब यह अवसर उन्हें दोबारा मिलने वाला नहीं है। प्रदेश सरकार के बजट में भदोही को कुछ भी नहीं मिला। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इन बीते 4 सालों में भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने भदोही के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि सपा सरकार में भदोही में एक्सपोमार्ट, 2 स्थानों पर ओवरब्रिज, भदोही दुर्गागंज, भदोही गोपीगंज, भदोही वाराणसी मार्ग का निर्माण कराया गया। कहा कि भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसान, व्यापारी, युवा बदहाल है। प्रेसवार्ता के दौरान सपा नेता टोनी मंसूरी, राजकुमार यादव, संतोष यादव, अली शेर खान मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर स्थित समही भटानी गांव में एक बालिका के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी वृद्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त गांव निवासी चुन्नीलाल यादव उर्फ भगत के ऊपर पॉक्सो एक्ट सहित SC ST Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एक बालिका गांव में खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी, जहां रविवार को आरोपी चुन्नीलाल यादव उर्फ भगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
शनिवार को भदोही जिले में कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी का आगमन हुआ है। इस दौरान भदोही शहर के मर्याद पट्टी व गोपीगंज नगर के खड़हट्टी मोहाल में दमोदर दास अग्रहरी के आवास पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता व व्यापारियों ने स्वागत किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बड़े शिवधाम पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, कहा कि केंद्र व प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गांव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पूर्व ही कैबिनेट मंत्री भदोही पहुंच गए थे। भदोही शहर के मर्याद पट्टी में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। भदोही शहर के मर्याद पट्टी पहुंचे कैबिनेट मंत्री से व्यापारियों ने भदोही जौनपुर सीमा स्थित धौरारा में नए पुल के बनवाए जाने की भी मांग की है। इस दौरान प्रिंस गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भदोही के भाजपा नेता व व्यापारी मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज में दमोदर दास अग्रहरी श्रीकांत जायसवाल गोरेलाल सेठ आदि शामिल रहे। भदोही जनपद में रविवार को हाफ मैराथन आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से आए धावकों ने भाग लिया। आयोजित इस हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर के दौड़ में बाहरी जनपदों के युवाओं ने भदोही सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के धावकों को धूल चटा दी, जिसमें उत्तराखंड के धावक दर्शन ने पहला स्थान हासिल कर 71,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया। तो वहीं उत्तराखंड के ही धावक हरि सिंह ने दूसरा पुरस्कार 41,000 और गोरखपुर से आए वासुदेव निषाद ने तीसरे स्थान में अपनी जगह बनाकर 21,000 रुपया प्राप्त किया और चतुर्थ पुरस्कार पाने वाले धावकों में वाराणसी के चंदन भारद्वाज, इटावा के शुभम यादव, मिर्जापुर के गणेश कुमार रहे, जबकि भदोही के तीन धावकों में मनीष मिश्रा, सूरज बिंद व मंगला प्रसाद को सातवना पुरस्कार से ही संतोष करना पड़ा। कल रविवार को भदोही हाफ मैराथन को भदोही के पूर्व एवं बलिया जनपद के भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाफ मैराथन जंगीगंज नेशनल हाईवे से शुरू होकर जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर में समाप्त हुआ। खबर छापने से बौखलाए दबंगों ने भदोही जिले के अभोली ब्लॉक के पत्रकार शरद बिंद को धमकी दी है, कहा कि दिखोगे तो ठोक दूंगा। पत्रकार शरद बिंद ने सूर्यामा थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। उधर पत्रकार को धमकी दिए जाने के बाद भदोही जिले के पत्रकारों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। पत्रकार शरद बिंद को धमकी दिए जाने के बाद पूर्वांचल प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष एजाज अहमद ने कहा कि शीघ्र दबंगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार समाज अगली रणनीति तय करेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भदोही जिले में ईमानदारी, बेखौफ, निष्पक्ष पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है? आखिर यह दबंग पत्रकार की लेखनी से इतने बौखलाए क्यों हैं? यह भी जांच होनी चाहिए। दिए गए तहरीर में पत्रकार शरद बिंद ने बताया कि गत दिनों आबकारी विभाग निरीक्षण पर निकला था। इसी खबर को उसने अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। बस इसी बात से बौखलाए दबंगों ने पत्रकार को धमकी दी है। अवैध व नकली शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए भदोही जिले का आबकारी विभाग पूरी तरह कमर कस चुका है। आबकारी विभाग के लिए गांव के चौकीदार खुफिया का काम करेंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में भदोही जिले में आबकारी विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसको लेकर रविवार को ज्ञानपुर कोतवाली में इंस्पेक्टर मोहम्मद आलमगीर व आबकारी के इंस्पेक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीण इलाकों के चौकीदारों के साथ बैठक की है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चौकीदार अब अवैध व नकली शराबों की सूचना पुलिस व आबकारी को देंगे और सूचना मिलते ही तत्काल आबकारी व पुलिस विभाग की टीम कार्रवाई करेगी।
भदोही शहर के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत मूसी लाटपुर डगडगौआ में बच्चन यादव के पाही पर स्थित एक कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने पहले समरसेबुल पंप निकालने का प्रयास किया। असफल होने पर चोरों ने समरसेबुल का स्टार्टर ही निकाल कर चलते बने। सुबह पाही पर बने इस कमरे का ताला टूटा देख बच्चन यादव ने इसकी सूचना रसपुरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर लौट गई। इस मामले में बच्चन यादव ने लिखित तहरीर दी है। चौरी थाना इलाके के मई हरदोपट्टी गांव में रविवार की सुबह सभाजीत पासवान नामक व्यक्ति की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थिति में हुई इस मौत को लेकर मायके गई उसकी पत्नी आनन फानन में ससुराल पहुंची और थाने पहुंचकर पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि सभाजीत पासवान अपने दरवाजे पर खड़ा था, तभी अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। मायके से पहुंची पत्नी ने इस मौत को पूरी तरह संदिग्ध बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। कोइरौना थाने पर खाना बनाने वाले फॉलोअर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। 57 वर्षीय फॉलोअर माता शंकर गौड़ शिवनाथ पट्टी सगरा के निवासी थे, जहां रविवार को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। फॉलोअर के निधन से पुलिसकर्मी में भी शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक फॉलोअर माता शंकर के निधन से परिजनों पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रोते बिलखते परिजन कोइरौना थाना पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक माता शंकर के करीबी व रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई थी। रविवार को ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव के समीप एक भटकी हुई बालिका पाई गई। मुख्य मार्ग पर भटक रही इस बालिका को आसपास के लोगों ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचाया, जहां ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस उसके परिजनों के तलाश में जुटी हुई थी। रविवार को चौरी के हनुमान मंदिर परिसर में जीएसटी सलाहकारों ने व्यापारियों के संग बैठक की। सलाहकार प्रसाद मिश्रा व प्रदीप दुबे ने मौजूद व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी। बाकायदा हनुमान परिसर में जीएसटी को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। जीएसटी को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए जीएसटी सलाहकारों ने व्यापारियों के साथ यह बैठक की है। साथ ही यह भी बताया कि कब और कैसे उनको टैक्स जमा करना है और कितने के टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को टैक्स व जीएसटी देना अनिवार्य है। इस मौके पर इलियास मंसूरी, रंजीत प्रजापति, पंकज सेठ, दिवाकर जायसवाल आदि व्यापारी मौजूद रहे। भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ला निवासी कलीम उर्फ बबलू हाशमी के 10 वर्षीय पुत्र तनवीर की जौनपुर के मड़ियाहू में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ला निवासी कलीम उर्फ बबलू हाशमी की मड़ियाहू कोतवाली इलाके के मोकलपुर में उसकी ससुराल है और वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में बाइक से गया हुआ था। बाइक पर उसकी पत्नी परवीन और 10 वर्षीय उसका पुत्र तनवीर हाशमी बैठा हुआ था, जहां मेहदीगंज बाजार के पास ट्रक को ओवरटेक करते समय पत्नी की गोद में बैठा उसका बच्चा फिसलकर नीचे सड़क पर गिर गया और ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मोड़ इलाके के बीजापुर से कंजिया जाने वाले मार्ग पर लगभग 2 माह से गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। 1.5 किलोमीटर का यह मार्ग ग्रामीणों के लिए बेहद कष्टदायक हो गया है। सड़क मरम्मतीकरण को लेकर इस मार्ग का निर्माण 8 दिसंबर को शुरू किया गया था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बावजूद भी सड़क अब भी जस की तस बनी हुई है। बड़ी बड़ी गिट्टी डालकर सड़क पर छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने रविवार को ठेकेदार के खिलाफ
सड़क पर ही प्रदर्शन कर डाला। जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आधी अधूरी पड़ी सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में तेज बहादुर सिंह, हरिओम मौर्या, सौरभ सिंह, नंदलाल बिंद समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके में हौसला बुलंद चोरों के आगे पुलिस पूरी तरह पस्त नजर आ रही है। शनिवार व रविवार की रात हौसला बुलंद चोरों ने एक ही रात में 3 गुमतियों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह गुमतियों का ताला टूटा देख व सामान गायब देख आसपास के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां मिर्जापुर रोड काली देवी मोहाल के समीप जोखनी नामक एक महिला की भूगी का ताला तोड़कर चोरों ने 3,000 नगद, चांदी के पायल व कपड़ा उठा ले गए। इसी तरह मुन्नू नामक व्यक्ति के बिसात बाने की गुमती तोड़कर हजारों रुपए का सौंदर्य प्रसादन सामान उठा ले गए हैं। इसी तरह तीसरी चोरी की घटना लल्लू हलवाई के यहाँ हुई है, जहाँ उसकी बोगी का ताला तोड़कर चोरों ने बोगी में रखी मिठाई उठा ले गए हैं। एक रात 3 स्थानों पर हुई चोरी की घटना से व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। भदोही जिले में बेखौफ मिट्टी खनन माफिया, खनन विभाग व स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से रात दिन सरकारी भूमि, नदी नाले की जमीनों को खोद रहे हैं। अवैध मिट्टी खनन कारोबार में लगे मिट्टी खनन माफिया सरकार को बड़ी संख्या में राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में भदोही जिले के खनन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। भदोही जिले के औराई इलाके के कैयरमऊ, मेघीपुर हवाई पट्टी के पास ताल समधा, असनाव, झिंगुरपुर के बीच भाला भोगांव व सूर्यावा इलाके के बनकट, बदलीपुर, कस्तूरीपुर, बसवापुर, दुर्गागंज के मसूदी, शेरपुर, गोपलहा सहित भदोही के मर्दनपुर, राघोपुर, धस्करी, भकोड़ा, छितियुना मोड़ में बड़ी संख्या में अवैध मिट्टी खनन माफिया भूमि की सूरत बिगाड़ रहे हैं। दिन रात अवैध मिट्टी खनन हो रहा है, साथ ही मिट्टी से लदे ट्रैक्टर सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ रहे हैं। डीएम साहब, आखिर अवैध मिट्टी खनन कारोबार पर लगाम कब लगेगा? भदोही बाईपास से नई बाजार तक जाने वाले मार्ग का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ छात्रा कुमारी सृष्टि के नाम से किया गया है। इसके लिए बाकायदा प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग भदोही द्वारा बोर्ड भी लगवा दिया गया है। बाईपास मार्ग से नई बाजार तक जाने वाले मार्ग की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। आपको बता दें कि भदोही के नई बाजार की मूल निवासी सृष्टि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में 8वीं रैंक प्राप्त करने वाली भदोही की बेटी है। यह मार्ग भदोही के इसी बेटी के सम्मान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ छात्रा कुमारी सृष्टि मार्ग के नाम से इसका नामकरण किया गया है। हालांकि इस मार्ग का नामकरण तो कर दिया गया है, लेकिन इस सड़क की हालत अब भी बदहाल है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सिमराथ नाथ का 26वां कल्पवास मेला शांति, श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। कल्पवास मेले के आखिरी दिन घाट को पूरी तरह दीपों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। 1100 दीपों से घाट पूरी तरह जगमगा उठा। आपको बता दें कि 28 जनवरी से यह कल्पवास मेला चल रहा था, 27 फरवरी को इस मेले का समापन हो गया। कीर्तन भजन और स्नान दान के साथ यह मेला संपन्न हुआ है। मेला उत्तराधिकारी स्वामी करुणाशंकर दास ने पुलिस प्रशासन सहित दर्शनार्थियों, कल्पवासियों व सहयोगियों का आभार जताया है। इतिहास के पन्नों में पूरी तरह सिमट चुकी कठपुतली कला को एक बार फिर संजीवनी मिलती नजर आ रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कठपुतली कला का भी जिक्र किया था और ऐसे कला को प्रोत्साहित करने की भी बात कही है। कठपुतली कला से जुड़े भदोही शहर के मखदूमपुर नट बस्ती निवासी सराफत अली बताते हैं कि उसके पिता कठपुतली की कला दिखाते थे, तब लोग कठपुतली कलाकारों का सम्मान भी करते थे, लेकिन समय के साथ साथ यह कला भी विलुप्त हो गई।
लेकिन प्रधानमंत्री का लाइव भाषण सुन सराफत अली बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर कठपुतली कला को संजीवनी मिलेगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज इस कठपुतली कला को नई पीढ़ी भी देख सकेंगे। सराफत अली बताते हैं कि हमारे बस्ती के लोग कठपुतली कला दिखाते थे, लेकिन अब सांप की कला दिखाकर अपना पेट पाल रहे हैं। भदोही विकास खंड के रैमलपुर व पड़ोसी जनपद सीमा स्थित रायपुर के मध्य पड़े एक घायल नीलगाय के उपचार के लिए ग्रामीणों ने पशु डॉक्टर को बुलाया। इस संबंध में गांव के गंगाराम यादव व संतोष ने बताया कि हमारा गांव भदोही के रैमलपुर व पड़ोसी जनपद जौनपुर के रायपुर से सटा हुआ है। गांव के समीप एक नीलगाय घायल होकर पड़ा हुआ था, जहां यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तो हाथ खड़ा कर लिया, लेकिन गांव के इन दोनों साहसी युवकों ने पशु डॉक्टर को बुलाकर घायल नीलगाय का इलाज कराया। इन दोनों युवकों ने अपने पास से ही डॉक्टर व दवा के लिए पैसा भी दिया। तो सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 1 मार्च 1917 में पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकारक करतार सिंह दुग्गल का निधन हुआ था। अब इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, आदाब।